हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन सिंह लोधी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन। इस वीडियो में हम GK GS के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह ऐसे प्रश्न हैं जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं या परीक्षा में आने की संभावना है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए 3D क्वालिटी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? लोहा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम। बताइए इसमें क्या सही आंसर है, गैस कीजिए और बताइए। करेक्ट आंसर इज एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अयस्क में जब एल्युमिनियम की मात्रा 40% से ज़्यादा होती है तो वह बॉक्साइट कहलाता है। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? उमरिया, जबलपुर, बालाघाट, शहडोल। करेक्ट आंसर इज उमरिया। बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र प्रदेश के मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जिसकी क्षमता 20 मेगावाट है। थर्ड क्वेश्चन, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? चोल, राजकूट, चालुक, पल्लव। करेक्ट आंसर इज चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश चोल था। फोर, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? खजुराहो, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मांडू। करेक्ट आंसर इज महेश्वर। निमाड़ उत्सव मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह जो मोस्टली परीक्षाओं में पूछा जाता है और रिपीट होता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? बघेल, परमार, चंदेल, बुंदेला। करेक्ट आंसर इज चंदेल। चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी में ननुक ने की। इस वंश के शासकों ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच करवाया। तानसेन सम्मान 2014 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? लता मंगेशकर, प्रभाकर कारेकर, अनुपम खेर, पंडित रविशंकर। करेक्ट आंसर इज प्रभाकर कारेकर। वर्ष 2014 का तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाकर कारेकर को प्रदान किया गया। सेवेंथ, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज धर्मवीर भारती।
धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता है। बाकी जो तीन साहित्यकार हैं शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, वो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, मुरिया, दडामी माड़िया, कोरकू, ये सारी जनजाति हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इज मुरिया। गौर नृत्य मध्य प्रदेश की मारिया मुरिया जनजाति जो द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। नाइन्थ, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। बेतवा जो नदी है उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है आपको बताना है। ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप, मुरैना, करेक्ट आंसर इज ओरछा। ओरछा जो शहर है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बुंदेला राजाओं का शासन था। टेंथ, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? रोहित खंड, बघेल खंड, मालवा, निमाड़, करेक्ट आंसर इज बघेल खंड। मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र सफ़ेद टाइगर बाघों के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट, सोया स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।